इंडिया की टीम वही टीम है जिसने पिछले 6 साल के अंदर 4 दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया। हम बेशक जो मर्जी इंडियन टीम को बोलते नहीं, लेकिन वो जो टेस्ट की टीम है ना, उनकी टेस्ट की टीम बहुत जबरदस्त है। उन्होंने इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड के अंदर भी हराया है, ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी एक टेस्ट मैच हरा दिया था, लेकिन अगला जिसको कहते हैं मुश्किल हो गई थी उनके लिए, अभी वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया में हरा दो, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दो, फिर बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना क्या मुश्किल बात हो सकती है। तो वही बात करेंगे, जरा बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, आज मैच की। इतना भी नहीं सोचा था कि आते साथ ही बांग्लादेश का ये हाल हो जाएगा, मतलब कि एक सेशन भी नहीं पूरा हुआ बांग्लादेश की टीम, इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया। 6 मैचेस इंडिया को जीतने हैं, 6 भी नहीं जीतने, 5 जीतने थे और उसके अंदर से एक ड्रॉ भी कर सकते हैं वो, लेकिन पहला मैच वो जीत चुके हुए हैं, अगला भी जीतेंगे। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है वो तो 4-0 से जीतेंगे, या 3-1 से जीतने, या 3-0 से जीतने, ये हिसाब है। लेकिन पहला मैच उन्होंने जीत के, मैच जीता उन्होंने तो खैर वो बिल्कुल ही सुबह फारिग ही कर दिया। 11.20 ओवर्स उनको चाहिए थे, मतलब 11.2 ओवर्स में उन्होंने मैच खत्म कर दिया 188 रन से जीत के। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई कि वो एटीट्यूड तो आज जैसे मैडिसन मराज ने सराज को पहले ओवर में कवर मार दी, लेकिन शकीब उल हसन जब अकेले लेके चले हैं, जब ये आउट हुए हैं मैडी हसन, उसके बाद वो 37 थी उनकी जो पार्टनरशिप थी, 37 के 37 वो खुद ही कर गए थे शकीब, और मैं 6 छक्के भी मार दिया आज उन्होंने, क्योंकि वो मेरा ख्याल है नथिंग टू लूज था और वो उस तरह खेले स्पिनर्स को। बट ओवरऑल हाउ डू यू सी अक्षर पटेल एंड इनकी कुलदीप यादव? और मुझे तो ऐसे लगा कि अक्षर पटेल अपना ये रविचंद्रन अश्विन तो टेस्ट ही नहीं खेल रहे थे, मतलब इन हाँ, दोनों। कल बात की थी। ये मोस्टली ये लोग ना एसजी की बॉलिंग लाइक करते हैं करने के लिए, जहाँ कुकुबुरा मिलती है थोड़ा टफ होता है। फास्ट बॉलर कर रहे हैं क्योंकि वाइट बॉल से बहुत ज्यादा करते हैं फास्ट बॉलर, अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी बॉलिंग अगर करनी है तो आपको लोकल जो बॉल होती है एसजी पे बहुत ज्यादा इनको कमांड रखते हैं, अश्विन हो, कुलदीप हो या अक्षर पटेल हो। कोकोबुरा शायद यूज हो रही है, इसमें लग रहा है कि इनको ट्रबल हो रही है, जिसकी वजह 18 साल 18 महीने के बाद आके टेस्ट मैच खेलना इतना इजी नहीं होता। 8 विकेटें ली हैं, मैच जितवाया, कॉन्फिडेंस नजर आया और बताया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं डिलीवर करके दूंगा। ऐसा स्पिनर है, जहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी तो ये अनप्लेएबल हो जाएगा, और नजर भी आया जैसे उसने बॉलिंग की है। जबरदस्त एफर्ट, जबरदस्त बॉलिंग के साथ अक्षर पटेल ने 4 विकेटें ली हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग करता है, मजा भी आता है इसको टेस्ट क्रिकेट में। जान के साथ बॉल करता है, हर बॉल पे जान लगाता है, तो ये टीम मैन है, टीम को उठा के रखता है जब ऐसा बॉलर टीम में हो। तो बड़ी जबरदस्त विक्ट्री रही है टीम इंडिया की, और अच्छी अप्रोच के साथ वो खेले हैं और जीते हैं। शानदार जीत के बाद इंडिया पहुंच चुका है नंबर 2 की स्लॉट, इंडिया ने संभाल लिया डब्ल्यूटीसी में। अब इंडिया जो अपने रिमेनिंग मैचेस है उसमें से 4 से 5 मैच मजीद अगर इंडिया जीत गया तो इंडिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इंडिया को एक और बहुत बड़ा बेनिफिट यह हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, जिसके बाद इंडिया की पोजीशन और मजबूत होगी डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए। देखिए, 188 रन से शिकस्त जीती जो आज सुबह इंडिया ने, और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर बिल्कुल ही कहानी गुल कर दी थी बांग्लादेश की। और ना सिर्फ इंडिया मैच जीत गया 188 रन की एक बहुत बड़ी जीत, बल्कि भारत को 3rd नंबर पे ले गया था, इंडिया 4th नंबर पे रैंकिंग में मौजूद था डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल पर, और यह जीत भारतीय टीम को ले गई नंबर 3 पर। भारत की टीम को एक और फायदा मिला, और जो इंडियन टीम ने जंप मारी थी 3rd पे, वो एक और कैंगरू वाली जंप लगी और इंडियन टीम पहुंच गई नंबर 2 पे। और अब इंडियन टीम डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल पे नंबर 2 नजर आ रही है, और ऑब्वियसली सिनेरियो सीधा से इंडिया के पास, क्या इंडिया के लिए आसानी पैदा हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर अगले 2 मैच और अफ्रीका को हरा देता है तो इंडिया के लिए आसानी ये हो जाएगी कि अगर इंडिया मैच हारता भी अपने अगले, फिर भी आसान रहेगा, तो उनके लिए अब मार्जिन आ गया। पहले इंडिया के पास ये था कि इंडिया के पास शायद हार के मार्जिन ना होते अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारता, और दूसरी इंडिया को मैच जीत रहे होते सारे। नजर आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपनी कंडीशन के अंदर साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ेगा, अपनी कंडीशन का बिल्कुल सही कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई गलत नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया, 100% एक्यूरेट है अपनी कंडीशन का, जो है प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीन पैच बना रहा है। ये वही गाबा है जिस गाबा पे ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ठोका था, लेकिन इन्होंने गाबा के अंदर ग्रीन ग्रास छोड़ के उसको खतरनाक तरीन पिच बनाई,
पर ऐसा ही होता है। अब अगर आपको यूज नहीं करना आता अपनी होम कंडीशन का तो ये आपका मसला है, पाकिस्तान को नहीं यूज करना आता तो ये पाकिस्तान का मसला है कि अपनी होम कंडीशन को आप क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। जिस भी मुल्क में आप जाएंगे वो अपनी होम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी टीम को दबोचने का। आप कहीं भी जाएं लोग आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक नहीं देंगे विकेट। अच्छा ऐसा ना कि केएल राहुल पूरा पांचवा दिन खिला देते, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने डेढ़ घंटे में ही कहानी जो है वो समेट के रख दी, घंटे में बल्कि आप कहें सवा घंटे में ही कहानी को जो है वो गुल कर दिया। तो ठीक है बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आज जो केएल राहुल की कप्तानी थी वो निस्बतन बेहतर नजर आई है, लेकिन मेरा मानना है कि राहुल की कप्तानी में और निखार की जरूरत है। और ठीक है इस टेस्ट मैच में तो इंडिया बहुत ऊपर था और इंडिया टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं कि राहुल के आने से कुछ हो गया, इंडिया 10 साल से टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो बाहर पर हो। इवन धोनी के टर्नियर में भी अगर आप देखो इंडिया अपने घर पर बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इंडिया बाहर टेस्ट में अच्छा उतना नहीं कर रहा था धोनी की कप्तानी में। लेकिन जाहिर है वाइड बॉल में तो खैर धोनी से बड़ा कोई कप्तान ही नहीं आया और इंडिया इवन घर पर धोनी की कप्तानी में भी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर जब धोनी ने विराट को कप्तानी दी तो उसके बाद विराट की जो कप्तानी थी वो सबसे बड़ा जो विराट की कप्तानी में आप कह रहे हैं कि जूनियर ने ग्रो किया वो टेस्ट क्रिकेट में किया, बहुत ग्रो, और सीना कंट्रीज में जीतना शुरू किया भारत ने। इंडिया वाइड एशिया की ऐसी टीम होगी जिसकी टेस्ट क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है उनके इंडिया में, क्योंकि जो दूसरी तरफ आप देखें चाहे पाकिस्तान देख ले बांग्लादेश देख ले श्रीलंका देख ले इनकी व्यूअरशिप के हिसाब से जितना T20 या ODI को पसंद किया जाता है टेस्ट को नहीं पसंद किया जाता, और यही वजह है जो इंडिया की यंग जनरेशन है उसमें टेस्ट का जो लव पैदा करने वाला बंदा और जो टेस्ट को दोबारा रिगेन करने वाला बंदा है वो विराट कोहली है, जिसकी वजह से टेस्ट को इतना देखा जाता है। हाँ, और एग्रेसिव पन भी वो लेकर आती है और उन्होंने वो जोश पैदा किया कि यार जो T20 और ODI में एग्रेशन है वो टेस्ट पर भी आएगा। वो आपने देखा होगा कि जैसे वो लेतन दास को आउट किया था पहली इनिंग में तो सिराज ने आउट किया था ना, तो वो साथ ही जो है चढ़ आ जाते हैं विराट कोहली, तो वो साथ उन्होंने पूरे पूरे जो है विराट, अच्छा मौका होगा कि इंडिया सिर्फ सीरीज ड्रॉ कर दे, इंडिया मत जीते वो सीरीज, दो दो से ड्रॉ हो जाए, एक एक से ड्रॉ हो जाए या दो दो से ड्रॉ भी हो जाए, यानी कि इंडिया दो मैच हार भी जाता है इंडिया फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉर्ड्स में फाइनल खेलेगा। तो ये वाली जो साउथ अफ्रीका की हार मिली है 24 स्कोर उन्होंने बना लिए जो कि कम स्कोर नहीं था, तो मुश्किल में डाल सकती है ऐसी टीमें, तो इसलिए आपके पास जब टाइम हो आपके पास सारा कुछ मौजूद हो तो क्या जरूरत है फॉलो ऑन करने की, आप जो थोड़ा स्कोर बना लें। जैसे इंडिया ने एक इतना स्कोर बना लिया था कि इंडिया को अब यकीन था कि यार हम जैसे भी खेलें अब कम से कम हम ये स्कोर चेज नहीं करने देंगे। तो बहुत अच्छा जो मैच हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से इंडिया की टीम ने ये मैच जीता है, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि 12 पॉइंट्स WTC का जो फाइनल है उसके लिए इंडिया को जो है वो और ज्यादा जो है सफर जो है वो आसान हो गया है और 12 पॉइंट्स इंडिया को मिल गए हैं। अभी एक मैच और है यहाँ पर और वो भी अगर इंडिया की टीम जीत जाती है तो यहाँ से ही 24 पॉइंट इंडिया के खाते में आ जाएंगे, ये सबसे अच्छी चीज हुई है। अब एक और बड़ी बात है कि भाई जो है वो कौन अब बाहर कौन होगा, जाहिर है रोहित शर्मा नेक्स्ट मैच में आने वाले हैं, अगर रोहित शर्मा आएंगे तो बाहर कौन होएगा, किसको जो आप निकल पड़ने वाले हैं, किसको इंजरी होने वाली है, ये फेक इंजरी जिसको बोलते हैं ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शुभमन गिल वही बंदा नजर आ रहा है इनको, लेकिन उस बेचारे ने सेंचुरी लगाई है भाई, उसने परफॉर्म किया हुआ है इतना कमाल की सेंचुरी लगा के उसने आपको मैच में वापसी करवाई, पुजारा कमाल की दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट जो सेंचुरियां ही हैं, एक मैच में तो 90s में आउट हुआ दूसरे में 100 बना लिया, तो पुजारा भी बाहर नहीं हो सकते, तो किसको आप बाहर करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे तो जाहिर है कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, तो शुभमन गिल के ऊपर इनकी नजर है, लेकिन सिर्फ शुभमन गिल ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, केएल राहुल क्यों नहीं बाहर हो सकते, जाहिर है जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है वो बाहर हो सकता है, मानते हैं कि राहुल को कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, बड़ी बड़ी यानी कि पेशन गोइयां भी की जा रही हैं और शायद तो उसको कप्तान जबरदस्ती बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन जब बंदे की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है यार तो कप्तान कैसे बनेगा वो। आप देखें सरफराज अहमद कप्तान तो बहुत अच्छा था वो पाकिस्तान का, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी उसे बाहर कर दिया गया, तो राहुल की अपनी जब तक परफॉर्मेंस नहीं है तो कप्तान बन के क्या करेंगे, तो शुभमन गिल क्यों, वो तो आपका फ्यूचर है भाई, वो परफॉर्म कर रहा है आपको स्कोर भी करके दे रहा है, वो क्यों बाहर होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी पर्सनल राय है वो ये है कि यार रोहित को अगर आपने लाना है तो राहुल को बाहर बिठाएं, लेकिन राहुल आज जो है वो का जो दिन है वो इंडिया के नाम है और नागन डांस आज नहीं हो सका, नागन्स को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के निकाला है बाहर बांग्लादेशी प्लेयर्स के अंदर से जो है वो आज कुलदीप यादव और साथ में जो है वो सिराज वगैरह ने कि भाई आज नागन डांस हम नहीं होने देगा। तो ये मैच जीतने के बाद इंडिया जो है टेस्ट की रैंकिंग में भी नंबर 2 पे आ चुका। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस प्रकार पाक मीडिया भारत की तारीफ कर रही है
और पाकिस्तान टीम की आलोचना कर रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।